मैं शुरू से 26 साल से हनुमान चालीसा की टीम से जुड़ी हूँ। जब से हमारा पाठ शुरू हुआ है तब से मैं साथ में हूँ और रेगुलर आने की कोशिश करती हूँ, कभी नागा नहीं करती। हमारी टीम में सबसे पहले अतुल महावर जी, अंकुर अग्रवाल जी, थापा जी, नवनीत गुप्ता जी, कई युवा, कई इसमें ऐसे भी हैं जो बच्चे आए थे और बड़े हो गए। इतने साल 26 साल में बहुत फर्क पड़ जाता है एक की लाइफ में, तो सभी बहुत समर्पित हैं। हाँ, और पर मैंने एक बात नोट करी है कि सबसे ज़्यादा समर्पित, निस्वार्थ जो समर्पित हैं वो है डब्बू जैन जी, क्योंकि डब्बू जैन जी जो काम करते हैं वो कोई नहीं आ सकता। हम 8 बजे आते हैं, हमें दरबार लगा मिलता है, घर घर जाके पाठ करते हैं, दरबार लगा मिलता है, पूरी सेटिंग मिलती है और बीच में वही रहते हैं सारा। अगर माइक खराब हुआ माइक ठीक करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सब कुछ का परित्याग कर रखा, हर विषय पे बोल सकते हैं, हर काम करते हैं। पूजा पाठ में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी धर्म के, किसी भी सम्मेलन में, किसी भी कथा में, सब जगह वो एक्टिव रहते हैं और निस्वार्थ सेवा ही करते हैं, काम ही करते हैं। अपने घर तक को उन्होंने परित्याग कर रखा, हमें पता है, सबको पता है। और वो बच्चा ऐसे मैंने छोटा सा देखा, तब से मैं देखती हूँ वो इतना समर्पित है यहाँ हनुमत धाम के प्रति। मैं मान कोई हम भी कहते हैं हम समर्पित है, पर हम इतना कार्य नहीं कर सकते जितना वो करते हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। बाकी बच्चे जिनकी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो सब करते हैं, चाहे वो थापा जी हैं, चाहे वो नवनीत जी हैं, वो सारा सब कुछ करते हैं सभी। मुझे भी कुछ कहेंगे मैं इस उम्र में भी करूँगी, क्योंकि मैं हनुमत धाम से समर्पित हूँ।